हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फार्माकोपिया। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इंडियन फार्माकोपिया, सो इंडियन फार्माकोपिया फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। बट इंडियन फार्माकोपिया को समझने से पहले हम सिंपली समझेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है। सो फार्माकोपिया का ग्रीक में क्या मीनिंग होता है ये हम देख लेते हैं। फार्मेकोन, सो टू वर्ड्स में डिवाइडेड है फार्माकोपिया। वन इज फार्माकोन एंड अनदर इज पिया, दैट इज फार्माकोपिया। सो फार्माकोन का मतलब है ड्रग या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं नॉर्मली। एंड पिया का मतलब है मेक, मीन्स ड्रग मेकिंग। सो इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? फॉर्मूला और स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। एक ड्रग बनाने के लिए क्या फॉर्मूला या फिर क्या स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, उसको कहते हैं फार्माकोपिया। सो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है और उस बुक में हर कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया है। जिस कंट्री ने उस कंट्री की फार्माकोपिया बनाई है वो उस बुक को फॉलो करते हैं, उस ऑफिशियल बुक को फॉलो करते हैं। जिस कंट्री की फार्माकोपिया नहीं है वो किसी और कंट्री की फार्माकोपिया के ऊपर रिलायबल होते हैं। सो फार्माकोपिया का जनरली मीनिंग क्या है, किसी ड्रग को बनाने के लिए कोई भी अगर ड्रग बनती है मार्केट में, तो उसके लिए फॉर्मूला और स्टैंडर्ड्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। फॉर्मूला क्या रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या रिक्वायर्ड है उस ड्रग को बनाने के लिए, दैट इज फार्माकोपिया। सो इसका आप डिटेल में मतलब देख लेते हैं क्या होता है। फार्माकोपिया इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक। ये क्या है, एक अथोराइज्ड गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक होती है हर कंट्री की। कई कंट्रीज की फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक पर रिलायबल या फिर डिपेंड होते हैं। विच डिस्क्राइब्स, नाउ इस बुक में क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट उसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड, जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, उसके स्टैंडर्ड उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं उस फार्माकोपिया में। स्टैंडर्ड मीन्स क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ड्रग के। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या टेस्ट है। एफिकेसी, उस ड्रग की एफिकेसी क्या है, यूजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। पोटेंसी, पोटेंसी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है ड्रग का। टू बी मेंटेन्ड स्ट्रिक्टली, सो किसी भी ड्रग की स्टैंडर्ड, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, एफिकेसी और पोटेंसी, ये क्या करनी पड़ती है, स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी पड़ती है। सो इस ऑफिशियल बुक में, फार्माकोपिया में, वो स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, पोटेंसी, एफिकेसी, टेस्ट सब कुछ मेंशन है हर एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, जो कि हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी अगर कंपनी कोई ड्रग बना रही है, सपोज अगर पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल फार्माकोपिया में ऑलरेडी मेंशन है, उस ड्रग के बारे में सब कुछ मेंशन है। तो कोई कंपनी अगर पैरासिटामोल बना रही है तो उसको फार्माकोपिया से उसी ही गाइडलाइंस में चलना होगा, उससे अलग वो कुछ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेशन हो जाएगा। तो इन सेट स्टैंडर्ड्स के, गाइडलाइंस के जैसे ही उसको चलना पड़ता है, इससे अलग वो कुछ नहीं बना सकते। सो अगर पैरासिटामोल के एक सेट स्टैंडर्ड है उस बुक में, यही गाइडलाइंस है पैरासिटामोल को बनाने का, यही फॉर्मूला है सब कुछ, तो उस कंपनी को वो फॉलो करना होगा या फिर वहां से वो गाइडलाइन ले सकते हैं क्या फॉर्मूला है और उसको देन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आता है इट कंटेन्स। अब फार्माकोपिया में क्या होता है, इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। इसमें क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स होते हैं ना, हम पढ़ेंगे मोनोग्राफ्स क्या होता है। एंड पब्लिश्ड बाय एन ऑथराइज्ड बॉडी लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। नाउ इस फार्माकोपिया को कोई भी नहीं बना लेता, लाइक कोई कंपनी अगर मेडिसिन बना रही है तो वो सारी मेडिसिन की एक बुक नहीं बना सकती। इसको एक ऑथराइज्ड बॉडी, जैसे कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, कमेटी है, वही फार्माकोपिया को बनाते हैं। सो फार्माकोपिया में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स होता है। नाउ इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने केक बनाना है, सपोज हमने चॉकलेट केक बनाना है, तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेसिपी को फॉलो करेंगे। सो हम उस रेसिपी बुक में से उस रेसिपी को ग्रास्प करेंगे और देन हम उस रेसिपी के अकॉर्डिंग, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम केक को बनाएंगे, बेक करेंगे, राइट।
इसी तरह से अगर कोई भी ड्रग बनाना है या कोई भी ड्रग प्रैक्टिस करना है या फिर कोई भी ड्रग बनाने का प्रैक्टिस करना है, लाइक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, अगर उस ड्रग के बारे में नॉलेज लेनी है, फुल नॉलेज लेनी है, तो सारा कुछ उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में फार्माकोपिया में प्रेजेंट होगा. सो नाउ मोनोग्राफ्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं. मोनोग्राफ क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग. किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? मोनोग्राफ. सो फार्माकोपिया में क्या होता है? बहुत सारे मोनोग्राफ्स होते हैं, हर ड्रग के बारे में होते हैं. तो वो मोनोग्राफ क्या है? कलेक्शन है किसकी? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग. सो अगर एक कंट्री में जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, सो उन सभी मेडिसिन की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो किस में होगी? फार्माकोपिया में. सो जैसे कि केमिकल नेम ड्रग का, एसेज, टेस्टिंग मेथड्स क्या है, फॉर्मूला क्या है ड्रग का, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, पीएच क्या है ड्रग का, डोज क्या है, और इवन उसकी इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ फार्माकोपिया में अवेलेबल होगा. सो फार्माकोपिया में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स होते हैं. मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? ये सभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग. नाउ इम्पोर्टेंस क्या है फार्माकोपिया की? फार्माकोपिया क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए? फार्माकोपिया, चाहे वो खुद की उसकी फार्माकोपिया है, लाइक इंडियन फार्माकोपिया इंडिया की खुद की फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश की खुद की फार्माकोपिया है, जैपनीज फार्माकोपिया, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है. तो ये सभी फार्माकोपिया कंट्री की खुद की ऑफिशियल बुक है. जिन कंट्रीज के पास फार्माकोपिया नहीं होती वो दूसरी कंट्रीज के फार्माकोपिया पर रिलायबल होती हैं. नाउ इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट इज टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन मार्केट. तो मार्केट में जितने भी ड्रग अवेलेबल हैं उनकी एक यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान, जैसे पैरासिटामोल है तो उसका केमिकल फॉर्मूला सारे पैरासिटामोल का क्या होगा? सेम होगा. कोई भी पैरासिटामोल अलग से नहीं होगी. सो एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, ताकि कोई भी किसी ड्रग में एडल्ट्रेशन ना कर सके, मिक्सिंग ना कर सके. देन आता है एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग अवेलेबल इन मार्केट. जो भी ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए फार्माकोपिया बनाई गई है. नेक्स्ट है अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स. ड्रग्स में एडल्ट्रेशन ना हो, मिक्सिंग ना हो, किसी तरह का हार्मफुल केमिकल ड्रग्स में ना मिक्स किया जाए, मेडिसिन में ना मिक्स किया जाए, इसलिए फार्माकोपिया बनी है. ताकि कोई भी अगर ड्रग बनती है, कोई भी मेडिसिन बनती है, तो एक फिक्स फॉर्मूला और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन है फार्माकोपिया में, उसी के सेट स्टैंडर्ड्स के, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो ड्रग बनाई जाए. देन आता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स. फार्माकोपिया में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ड्रग की, उसकी डोज की, डोसेज फॉर्म की, इफेक्ट्स की, साइड इफेक्ट्स की, इंडिकेशन की, डायरेक्शंस फॉर यूज, डायरेक्शंस क्या है उस ड्रग को यूज करने के लिए, वो सभी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फार्माकोपिया में. देन आता है रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, क्योंकि लैब्स में क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, सो ये सभी क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं. सो जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो वो फार्माकोपिया को रेफर करते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग के बारे में अगर उनको प्रैक्टिस करनी है लेबोरेटरी में तो वो किसको रेफर करेंगे? फार्माकोपिया को. देन आता है इंडस्ट्री एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. कोई भी इंडस्ट्री है जो ड्रग्स को बना रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या फिर कोई भी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी सब किसको रेफर करेंगे? फार्माकोपिया को. देन आता है ये क्या है? अ स्टॉक ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स. जो भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं किसी कंट्री की, उसका एक स्टॉक है, कलेक्शन है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया. नाउ हम डिस्कस करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में. तो इंडिया की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक है जिसमें सारे ड्रग्स की कलेक्शन है, वो है इंडियन फार्माकोपिया, जिसको बोलते हैं आईपी. सो आपने मेडिसिन में भी देखा होगा किसी ड्रग के आगे क्या लिखा होता है? आईपी. आईपी मीन्स ये इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइंस के ऊपर बनाई गई है ये ड्रग. देन इसी तरह से ब्रिटिश फार्माकोपिया है बीपी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है दैट इज यूएसपी, जापानीज फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, अलग अलग फार्माकोपिया है डिफरेंट कंट्रीज की. और जिन कंट्रीज में जिन कंट्रीज की फार्माकोपिया नहीं है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की फार्माकोपिया ले लेते हैं, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, और उसके ऊपर वो बेस्ड होते हैं, उसी गाइडलाइंस पर वो बेस्ड होते हैं. सो नाउ हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, दैट इज आईपी.
सो हमारी इंडिया में जो ऑफिशियल बुक फॉलो होती है, ऑफिशियल जो बुक है अंडर द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें सारे ड्रग्स की, हर ड्रग की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो क्या है? इंडियन फार्माकोपिया. नाउ इंडियन फार्माकोपिया कैसे रन करती है? इंडिया फार्माकोपिया कमीशन, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन, दैट इज आईपीसी. सो आईपीसी क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्क करती है. ये क्या करती है? सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया. जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं, सोल्ड होते हैं, बिकते हैं इंडिया में, बनते हैं एंड कंज्यूम करती है इंडियन पब्लिक, वो सारे ड्रग्स के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन सेट करता है? आईपीसी, दैट इज इंडिया फार्माकोपिया कमीशन. नेक्स्ट आता है हमारा इन प्री इंडिपेंडेंस डेज. प्री इंडिपेंडेंस डेज मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, तो वो किसके अंडर था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर. जो ब्रिटिश पीपल थे वो रूल करते थे इंडिया में. तो इंडिपेंडेंस से पहले बीपी वॉज यूज इन इंडिया. बीपी मीन्स जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, क्योंकि ब्रिटिश रूल करता था उस टाइम पर इंडिया में, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडिया में फॉलो होती थी. देन उसके बाद क्या हुआ? इन 1946, इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले क्या हुआ? 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? पब्लिश द फार्माकोपिया लिस्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया, जिसमें क्या था? कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स. उसमें लिस्ट थी एक ड्रग्स की, विच वर ऑफ सब्सटेंशियल मेडिसिनल वैल्यू. जिन भी ड्रग्स की मेडिसिनल वैल्यू है, उन सभी की लिस्ट थी, एंड देयर जस्टिफिकेशन टू इंक्लूड इन एन ऑफिशियल फार्माकोपिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में सारी ड्रग्स थी, मेडिसिन थी, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, प्लस ये जो लिस्ट थी ये सप्लीमेंट थी किसकी? ब्रिटिश फार्माकोपिया की. मीन्स ये ब्रिटिश फार्माकोपिया की ड्रग्स प्लस कुछ ड्रग्स और उसमें ऐड होकर ये लिस्ट बनाई गई, जिसमें सारी ड्रग्स मेंशन थी. और इंडियन गवर्नमेंट ने ये लिस्ट क्यों बनाई? ताकि इन ड्रग्स को जो ऑफिशियल फार्माकोपिया बनेगी इंडिया की, मीन्स इंडियन फार्माकोपिया में ये ड्रग्स क्यों ऐड होने चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन भी उस लिस्ट में थी. देन क्या हुआ? इन 1948 इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया. आईपी को बनाने के लिए, इंडियन फार्माकोपिया को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1948 में, जिसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी एन घोष. देन फाइनली 1955 में फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ, और सप्लीमेंट 1960 में. सप्लीमेंट मीन्स कुछ और ड्रग्स ऐड हुई विद टाइम, तो उसका सप्लीमेंट 1960 बना. सो फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया बनी 1955 में. नाउ 1955 में फर्स्ट एडिशन निकला था इंडियन फार्माकोपिया का, तो ये एडिशन क्या होते हैं? विद टाइम रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि न्यू ड्रग्स मार्केट में आती रहती है, न्यू ड्रग्स बनती रहती है, तो सारी ड्रग्स जितनी भी मेडिसिनल वैल्यूज की ड्रग है वो देन फर्दर एडिशंस में ऐड होती रहती है. सो इसलिए सेकेंड एडिशन कब आया? 1966 में आया. देन थर्ड एडिशन 1985 में आया, जिसके टू वॉल्यूम्स थे, मतलब वॉल्यूम वन में कुछ ड्रग्स, देन वॉल्यूम टू में. देन फोर्थ एडिशन 1996 में आया, जिसके अगेन टू वॉल्यूम्स थे. फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, जिसके थ्री वॉल्यूम्स थे. सिक्स्थ एडिशन 2010 में, जिसके थ्री वॉल्यूम्स थे. सेवन्थ एडिशन 2014 में, इसके फोर वॉल्यूम्स थे. एंड देन एट्थ एडिशन अगेन 2018 में आया, जिसके फोर वॉल्यूम्स थे. सो फॉर मोर वीडियोज ऑफ फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. ऑल्सो टू सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.